देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूँ, मैं उनको 73 से जानती हूँ, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है, और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और बीपीएल की जगह एपीएल लोग हो गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्जदार हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट था वो ठीक दुगना हो गया है। तो विकास कहां हुआ? विनाश हुआ। स्त्री भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां हुआ? इसलिए ना हिंदुत्व ना रोटी, ना राम ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिले। को विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए। भाजपा की थी 89 तक कि लोग हमको चिमटे से भी छूना नहीं चाहते थे। चिंतित साधु को डरा नहीं सकते आप, लेकिन साधु भी समाज के लिए अपना कंसर्न तो रखता है। दे आर वरीड। और मैं आपको बताऊंगा, ऐसा शोक और ऐसा भय, मतलब ग्रीफ और फियर, मैंने खुद गुजरात में नहीं देखा कभी। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। इसलिए मैंने उनका नाम विकास पुरुष की जगह विनाश पुरुष इसलिए तो रखा है। मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है, ये मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर दी है, और इसलिए हवा भी आपको ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि हवा आपने भरी है।